नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। काजोल एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने बेबाक बोल, अनफिल्टर्ड रिएक्शंस और बिंदास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वो इतनी बोल्ड हैं कि किसी को भी बिना कुछ सोचे समझे बोल देती हैं। इन दिनों वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनका बेटा युग काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा है, जिसको लेकर वो आजकल अस्पताल के चक्कर भी लगा रही हैं। लेकिन इसी बीच काजोल का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनको साफ देखा जा सकता है कि वो अपने बॉडीगार्ड को धक्का दे रही हैं। ये वीडियो तब का है जब काजोल अस्पताल से बाहर अपने बेटे के साथ निकली। बॉडीगार्ड ने युग का हाथ पकड़ा हुआ था और उसी दौरान काजोल ने अपने ही सिक्योरिटी गार्ड को पुश कर दिया। ये वो बॉडीगार्ड है जो काजोल और उनके परिवार को हर जगह फॉलो करता है और उनको मुसीबतों से बचाता है। उसी बॉडीगार्ड के साथ काजोल का ऐसा रवैया लोगों को पसंद नहीं आ रहा। काजोल का ऐसा रवैया देख यूजर्स भड़क गए और धड़ाधड़ कमेंट करने लगे। कई लोगों ने उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने ये लिखा, देखिए इन्हें, ये उसे धक्का दे रही हैं जो इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा यूजर ये लिखता है, काजोल का नेचर बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हमेशा ही रूड रहती हैं। तीसरे यूजर ने लिखा, काजोल ने अपने बॉडीगार्ड को दिया धक्का, इतनी घमंडी महिला। एक और यूजर ने तो यहां तक लिखा, बहुत खराब बात है ये, बेवकूफ औरत। एक और ने ये लिखा, सिक्योरिटी गार्ड के साथ इतना अजीब बर्ताव कर रही हैं, फोकट का इतना एटीट्यूड। इंटरनेट पे ये वीडियो वायरल होते ही लोग काजोल को बुरा भला कह रहे हैं। किसी ने कहा घमंडी तो किसी ने कहा रूट। यहाँ तक कि लोगों ने तो इनको जया बच्चन से ही कंपेयर करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से जया बच्चन हर जगह विफड़ जाती है, उसी तरह काजोल भी करने लगी है। जया बच्चन अपने गुस्से और अजीब व्यवहार के लिए जानी जाती है और इसी वजह से वो लाइमलाइट में बनी रहती है। अब आजकल काजोल भी बढ़ती उम्र में जया बच्चन बन गई हैं। खैर, काजोल को जया बच्चन से कंपेयर करते हुए एक यूजर ने ये लिखा, ये सही में जया आंटी की तरह होती जा रही है। दूसरे यूजर ने लिखा, इस औरत के साथ दिक्कत क्या है, ये अपने बॉडीगार्ड को ही धक्का दे रही है। तीसरे यूजर ने लिखा, क्या किसी ने नोटिस किया कि उसने सॉरी बोला। एक तरफ जहां लोग काजोल को ट्रोल कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से खुश हैं कि कम से कम काजोल उन अभिनेत्रियों में से तो नहीं जो अपने बच्चों को नैनी के भरोसे छोड़ देती हैं। कम से कम काजोल अपने परिवार का ध्यान रखती हैं और बीमार बेटे को खुद लेकर अस्पताल पहुंच गईं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।